विजय। जनरल बिपिन रावत को आज पूरा देश नमन कर रहा है। कल लोकसभा में भी तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी अन्य सैनिकों के निधन पर संसद में भी 2 मिनट का मौन रखा गया। पंजाब के अमृतसर में भी स्कूल के बच्चों ने मोमबत्ती और पोस्टर लगाकर जनरल रावत और 13 सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु जहां ये हादसा हुआ था वहां भी आंखें नम कर देने वाला एक दृश्य सामने आया। कल जब तमिलनाडु में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में लाया जा रहा था तब वहां से स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस पर फूल बरसाए। उस समय उन लोगों की आंखें नम थी और वो भी क्यों ना, आखिरकार देश ने अपने पराक्रमी वीरों को खोया है। बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि अगर नौकरी समझते हो तो सेना में कभी मत आना, सेना में आने के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। आज उन्होंने अपने इस कथन को सच कर दिया। देश पर मर मिटने वाले उनका जज्बा ऐसा था कि देश उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता था, परिवार रिश्तेदार उनके लिए बाद में आते थे। इस हेलीकॉप्टर हादसे का कारण क्या था ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हालांकि रक्षा अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में 2 फ्लाइट रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स बरामद किए हैं। दुर्घटना का पता लगाने के लिए इन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। इस समय ये ब्लैक बॉक्स काफी अहम सबूत हो सकते हैं क्योंकि इससे बुधवार को पर्वतीय क्षेत्र में हादसे से पहले घटनाक्रम के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। बता दें कि ये ब्लैक बॉक्स एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर डिवाइस होता है जो हर हेलीकॉप्टर में लगा होता है। ये उड़ान के दौरान सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। दुर्घटना के बाद इसे दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए।